हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके पर्सन करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। वे इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है, कैसी है, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। आप ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुनिएगा। ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे, यह तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत करना। हो सकता है कि आपके साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ परसेंट करे, हो सकता है बिल्कुल रेजोनेट ना करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, आपका भी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन करेंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी दैट। सबसे पहले एक्चुअली यहाँ दो कार्ड हैं। एक तो ये कार्ड अपने आप पॉप आउट हुआ है, एंड दिस अगेन दिस कार्ड ऑल्सो। चलिए, ओके सो या ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर कार्ड्स हमने अरेंज कर लिए हैं। तो करंटली कैसा फील कर रहे हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा वल्नरेबल फील कर रहे हैं करंटली आपके पर्सन। वीक फील कर रहे हैं, वीक एंड वल्नरेबल फील कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा भी लगता है कि जैसे दे वॉन्ट टू रीच आउट टू यू। आप कहीं भी हैं, कितनी भी दूर हैं इनसे, कितने भी पास हैं इनके, ये आप तक पहुँचना चाहते हैं। फॉर सम पीपल हो सकता है कि सच में ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहा है। अलग सिटी, अलग कंट्री, अलग स्टेट, अलग विलेज, अलग टाउन, इस टाइप का लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। या लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है, आप इन्हीं के शहर से हैं तो भी ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं, आप तक पहुँचना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हैं, या ऐसा स्टेट ऑफ माइंड ना कहें तो एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ना ये थोड़े से वीक हो रहे हैं अंदर से। जैसे कॉन्फिडेंस की कमी होना, करेज की कमी होना, थोड़ा सा ऐसा फील करना, सप्रेस्ड फील करना, तो इस तरह से ऐसे इमोशंस आ रहे हैं जिससे पता लग रहा है कि ये इंसान अंदर से कमज़ोर, अंदर से वीक और वल्नरेबल हो रहा है। और इस वजह से करेज, कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, एंड फॉर दैट दे नीड गाइडेंस, दे नीड हेल्प। इनको गाइडेंस की भी ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, और ये ऐसी हेल्प, ऐसी गाइडेंस चाहिए जो कहीं ना कहीं उनको एक राइट डायरेक्शन में गाइड करे। सो दे नीड द गाइडेंस, दे नीड द हेल्प, एंड दे नो इट। उनको पता है कि किसी वाइस पर्सन की, किसी मैच्योर पर्सन की, किसी नॉलेजेबल, किसी वेल विशर की, किसी ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन की अगर उनको गाइडेंस मिलती है तो शायद वो अपना रास्ता अच्छे से चूज कर पाएंगे कि उन्हें करना क्या चाहिए। बिकॉज यहाँ पर ऐसा लगता है दे डिड समथिंग जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए, इमोशनली काफ़ी हर्ट हुए, एनर्जेटिकली काफ़ी एग्जॉस्ट हुए, और नाउ दे एक्सेप्ट दैट। अगर ऐसा था कि कभी वो इस बात को अगर एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे थे, समझ नहीं रहे थे कि उन्होंने गलती की है या उनसे कुछ गलती हुई है, तो अब ऐसा लगता है कि उनको ये बात रियलाइज हो गई है। बिकॉज दे आर फीलिंग गिल्टी, गिल्ट हो रहा है, गिल्टी फील कर रहे हैं, और ऐसा उनको इस बात के लिए ना अपने अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हुए हो।
इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, ये इतना क्लियर तो नहीं कह सकती मैं क्योंकि एक जनरल रीडिंग है कि उन्होंने इंटेंशनली आपको हर्ट किया था या अनइंटेंशनली किया था, बट इट इज़ वेरी विजिबल कि जैसे आप एग्जॉस्ट हो गए थे। हो सकता है आप लोगों में से कई लोगों ने अचानक से ज़्यादा वेट गेन कर लिया या कई लोगों ने अचानक से वेट लूज कर दिया है, कमज़ोरी आई है, वेट कम हुआ है बहुत, ये भी हो सकता है कई लोगों के लिए। तो ये आपके ब्रेकअप के बाद या चीटिंग के बाद या इन्होंने आपको हर्ट किया उसके बाद ही ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेंटली भी आप पर बहुत असर हुआ, एक मेंटल पीस आपकी डिस्टर्ब हुई। और सेकेंडली यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि जैसे एनर्जेटिकली भी आप काफ़ी वीक हो गए, एग्जॉस्ट हो गए। सो दे थिंक कि उनसे गलती हुई है, खुद को भी गिल्टी फील करते हैं और आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। अब कुछ करना चाहते हैं मतलब ये नहीं कि वो आपको कंपेंसेट कर सकते हैं किसी तरह से, कुछ करना चाहते हैं मतलब वो इतना गिल्टी फील करते हैं कि वो आप तक पहुंचना चाहते हैं और उन्हें किसी ऐसे पर्सन की गाइडेंस चाहिए, किसी ऐसे पर्सन से उनको सलाह चाहिए, एडवाइस चाहिए, जो सच में इनको ये बताए कि अब आप अपना गिल्ट कैसे कम कर सकते हो। उसी डायरेक्शन की तरफ इनको गाइडेंस मिले जिस डायरेक्शन में जाके ये अपना गिल्ट कम कर सकते हैं। और आपको जो दर्द उन्होंने पहुंचाया है, आपको जो दुख और तकलीफ उन्होंने दी है, उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सो दे वॉन्ट टू नो दैट कि वो कैसे अपना गिल्ट कम करें और आपका पेन कम करें, एंड फॉर दैट दे नीड बेस्ट एडवाइस। तो चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई है या उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई है, या अगर वो किसी एस्ट्रोलॉजर पर बिलीव करते हैं, या कोई कोई वाइस पर्सन उनकी लाइफ में है, हुएवर, कोई भी हो सकता है, बट दे नीड दैट हेल्प, क्योंकि ये अंदर से इनको बेचैनी है, एंग्जाइटी है और इनको ना सुकून नहीं है, जैसे सुख चैन इनका खो गया है, इनको सुकून भरी नींद नहीं आती। अगर ये कहीं इंजॉय करते हैं तो 100% उस मोमेंट को इंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि अंदर से गिल्ट होता है। अगर इनके लाइफ में और भी ऑप्शंस आते हैं या होते हैं, तो जैसे ही अगर ये उन ऑप्शंस को कंसिडर करने के बारे में सोचते हैं, ये दूसरे ऑप्शंस को एंटरटेन करने के बारे में सोचते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, उनको गिल्टी फील होने लगता है। तो वो इस गिल्ट से बचना भी चाहते हैं, और क्योंकि वो ओपन नहीं हो पा रहे हैं, वापस कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, एक तरह की कमज़ोरी उनको भी अंदर से फील हो रही है। जस्ट अ सेकेंड। तो दे वॉन्ट टू डू समथिंग और वो आप तक पहुँचना चाहते हैं, और आप तक पहुँचने के लिए ऐसा भी लग रहा है बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि इम्पेशेंस का कार्ड भी आया है। कहीं ना कहीं ये इंसान जितने समय से गिल्टी फील कर रहा है, जितने समय से समझ पाया है या समझ पाई है कि इनसे कुछ गलती हुई है, तो उतने समय से अब तक इनके लिए सुकून से रहना, शांति से रहना बहुत टफ हो गया है। ओके, सपोज एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 2 महीने पहले इनको रियलाइज़ हुआ और बहुत गिल्टी फील हुआ, और तब से लेके अब तक का समय इनके लिए बहुत टफ हो गया क्योंकि ये उस बीच कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, कुछ कर भी नहीं पाए, और गिल्ट भी अंदर से महसूस होता रहा, जिस वजह से कॉन्फिडेंस लूज हो गया, करेज कम हो गया है, तेज जो होता है ग्लो वो चला गया है, और कहीं ना कहीं एक तरह का बर्डन आ गया है, एक तरह से हैवी फील करने लगे हैं। तो बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं और चाहते हैं कोई इनको गाइड कर दे, और सही कहीं ना कहीं इनकी जो इंट्यूशन है वो इनको इस तरफ ही गाइड कर रही है कि इनको आप तक पहुंचना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं आपको आपसे अपोलोजाइज करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, दे शुड बी सॉरी एंड दे शुड से सॉरी टू यू। इस तरह से उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है। मे बी किसी पर्सन ने किया हो ये गाइड, ये भी पॉसिबल है, बट ऐसा लगता है जैसे मेजरली ऐसा है कि जैसे उनके इंट्यूशन ने उनको गाइड किया है कि जैसे उन्हें आप तक पहुंचना चाहिए, और वो आप तक पहुंचने के लिए इम्पेशेंट हैं क्योंकि वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच के चीज़ों को क्लियर करके आपसे माफ़ी मांग के मैटर क्लोज करना चाहते हैं या क्लोजर देना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं आपको भी एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन देना चाहते हैं, खुद के लिए भी उनको माफ़ी चाहिए। तो वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और खुद के भी इस पेन को या खुद के भी इस गिल्ट को जल्द से जल्द कम करना चाहते हैं। आई थिंक कि बहुत जल्दी आप तक पहुंचेंगे भी, क्योंकि जितने इम्पेशेंट ये हो रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, मुझे लगता है बहुत जल्द 1 वीक 10 डेज
1 month इनको आप तक पहुंचना ही चाहिए। इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज, कोई हिंट, कोई एक्शन, कोई जेस्चर ज़रूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि डिस्टेंस भी अगर आप लोगों के बीच है तो ये वो डिस्टेंस कवर करके आप तक पहुंचना चाहते हैं। एंड ये फॉरगिवनेस का कार्ड है और इम्पेशेंस का कार्ड है। गिल्ट का कार्ड तो खैर आपने देख ही लिया है यहाँ है, लेकिन देखिए ना, फॉरगिवनेस का भी कार्ड है, इम्पेशेंस का भी कार्ड है। इम्पेशेंट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें माफ़ी चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उन्हें फॉरगिव करें, वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें। और व्यूअर्स, आप उन्हें माफ़ करेंगे नहीं करेंगे, किस बेसिस पर करेंगे, करना है नहीं करना है, वो सब आपके ऊपर है, वो सब आप ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस, आपका पेन, ये सब आप समझ सकते हैं बेटर। तो ये डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए कि आप उन्हें माफ़ करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन येस, दे विल कम टू यू एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। माफ़ी तो मांगने आएगा ये इंसान या आएंगी, क्योंकि जब तक वो आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, उनका ये जो गिल्ट है ये कम नहीं होने वाला। दे विल फील गिल्टी टिल यू फॉरगिव देम। जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं कर देते या नहीं करेंगे, तब तक ये इस तरह का दर्द इनको महसूस होता ही रहेगा। तो काफ़ी गिल्टी हैं, आप तक पहुंचना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपना मन हल्का करना चाहते हैं, क्योंकि एक तरह का बर्डन इनको फील होने लगा है अब। ओके, यस, कहीं ना कहीं ये अब तक जिस भ्रम में जी रहे थे, अब उनका वो भ्रम टूटा है एंड नाउ उनको रियलिटी समझ में आई है। यस, यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं एक इल्यूजन में थे या इल्यूजन में थी कि एवरीथिंग इज इन देयर फेवर, लाइक उनके फेवर में है सब। वो जैसे चाहें सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे चाहें सिचुएशन को ट्विस्ट कर सकते हैं या कर सकती हैं, वो जैसे चाहें आपको भी मैनेज या हैंडल कर सकते हैं, कर सकती हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अपने ही दिमागी दुनिया में, अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में ये अपने आप को सही साबित करके चल रहे थे कि मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है, मुझसे कुछ गलती थोड़ी हुई है। अगर सामने वाला ही इतना एक्सपेक्ट करे, अरे सामने वाला ही अगर इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाए, या सामने वाला ही अपने आप से इतना कुछ करे, तो इसमें मेरी गलती क्या है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे व्यूअर्स वो इसी इल्यूजन में थे और ख़ुद को उन्होंने जैसे जस्टिफाई कर लिया था मन ही मन में कि जो उन्होंने किया वो उनके हिसाब से ठीक है, उनके अकॉर्डिंग तो ठीक है, उन्होंने इतना गलत नहीं किया है, तो जस्टिफाई अपने आप को कर लिया था। तो वो एक इनका इल्यूजन था, इनका भ्रम था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो इल्यूजन ब्रेक हुआ है और इनको रियलिटी चेक मिला है, समझ में आया है इनको कि रियल वर्ल्ड क्या है, रियलिटी में उनसे गलती सच में हुई है, जिस वजह से उन्हें गिल्टी फील हो रहा है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो उनको अंदर से क्यों बुरा लग रहा है। तो नाउ दे अंडरस्टैंड एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट, उन्होंने इस चीज़ को समझ लिया है, स्वीकार भी कर लिया है, और अब ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं माफ़ी के लिए, कि उन्हें जल्द से जल्द फॉरगिवनेस चाहिए, समहाउ कैसे भी जल्द से जल्द आप उन्हें माफ़ कर दें, जल्द से जल्द उन्हें माफ़ी मिल जाए और किसी तरह से वो एक बर्डन से फ्री हो जाए, एक जो उनके ऊपर एक बर्डन है या उनके ऊपर ये जो एक एक गिल्ट जो उनको महसूस हो रहा है वो जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए। दैट्स व्हाट दे वांट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत होपफुल है वो कि वो आपसे आपसे यानी कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे और आप उन्हें माफ़ कर देंगे, सब कुछ पॉजिटिवली हो पाएगा। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी होपफुल हैं, उनको ऐसा लगता है कि ज़रूर अगर वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं या उनका इंटेंशन अगर अच्छा है और वो सच में माफ़ी मांगना चाहते हैं, सच में उनको गिल्टी फील हो रहा है, तो डेफिनेटली आप भी उनको माफ़ कर दोगे और अच्छा सब कुछ हो पाएगा। आप लोगों के बीच जो कनेक्शन, जो बॉन्ड है, जो भी आप लोगों के बीच जैसा भी रिश्ता है, वो स्मूथ हो पाएगा, लाइट हो पाएगा और कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्रेंडली, ज़्यादा ओपन, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो पाएगा। तो उनको उम्मीद बहुत है, उनको उम्मीद बहुत है कि आने वाला समय उनके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है। तो व्यूअर्स, ये इंसान चेंज हुआ है इंटरनली, अंदर से बदला है, ये तो आपकी वजह से कह सकते हैं या आपके लिए कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि बदले हैं और अपने अपने इल्यूजन से बाहर आए हैं। मुझे ऐसा लगता है शेप शिफ्टर का कार्ड भी है, शेप शिफ्टर का कार्ड है, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो समय है ये हैवी ट्रांसफॉर्मेशन का,
सिर्फ लव लाइफ ही नहीं, ओवरऑल लाइफ यहाँ पर आप दोनों की ही ट्रांसफॉर्म हो रही है, इनके रियलाइजेशंस की वजह से ये अंदर से बदल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको जो लेसन्स मिल रहे हैं उस वजह से आप भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, और अब उन चीज़ों को आप वैल्यू करोगे. व्यूअर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट यू. अब उन चीज़ों को आप ज़्यादा वैल्यू करोगे जो आपके अंदर नेचुरली हैं, जो ट्रेट्स, जो क्वालिटीज़, जो एट्रीब्यूट्स आपको आपको अंदर से मिले हैं, जो आपकी आत्मा के ही गुण हैं, आप उन्हीं को ज़्यादा नर्चर करोगे, उन्हीं को ज़्यादा चेरिश करोगे, उन्हीं को ज़्यादा हाईलाइट करोगे. जैसे आप इनोसेंट हो या स्वीट हो या इमोशनल हो, तो वो चीज़ बुरी नहीं दिखनी चाहिए कि अरे ये इंसान तो बड़ा इमोशनल है. आप एक इमोशनल इंसान हो, ये चीज़ आपकी क्वालिटी लगनी चाहिए. ओके, ये इंसान जो है ये बहुत डिसिप्लिन वाला है, बड़ा स्ट्रिक्ट है, तो ये बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए. आप उसे उस तरह से नर्चर करें, उस तरह से पॉलिश करें, चेरिश करें, उस तरह से उस पर वर्क करें कि वो चीज़ आपकी क्वालिटी लगे, वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ लगे कि अरे ये इंसान सच में बहुत डिसिप्लिन है, बहुत अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो चीज़ एक अच्छी चीज़ बन के लगे. ओके, तो कई कई चीज़ें इंसानों में ऐसी होती हैं जो उनको बुरा दिखा सकती हैं, और वही चीज़ें हैं जो उनके बहुत अच्छा होने का प्रूफ भी होती हैं. तो बस फ़र्क इतना है कि हम जब उन चीज़ों को नहीं समझते हैं और कुछ दूसरा अपनाने की कोशिश करते हैं, तो जो हमारी ओरिजिनलिटी है वो भी नहीं रहती, और जो हम बनने निकले थे वो तो हम बन नहीं पाते क्योंकि हम सच में कुछ और हैं. तो यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जो लेसन्स आपको मिले हैं उनसे सीखकर आप सच में अपने उन क्वालिटीज़ को नर्चर करेंगे जो आप में पहले से हैं, उनको ज़्यादा एम्ब्रेस करेंगे. जैसे किसी की छोटी आँखें हैं, तो अब वो दूसरों को देख के अपनी आँखों पे इतना ऐसा मेकअप करे या ऐसा सर्जरी करे वो बड़ी दिखें, सुंदर दिखें, इस तरह का कुछ मेकअप टेक्निक यूज़ करे कि वो बड़ी दिखें, या अपने फ़ोटोशॉप कर करके अपनी आँखें बड़ी दिखाए, ऐसे करे. इससे बेटर ये है कि वो छोटी आँखों को ही इम्प्रेस करे, उन्हीं को ज़्यादा यू नो उसी क्वालिटी को, उसी को ज़्यादा नर्चर करे कि ये भी ब्यूटी है, ये भी स्मॉल आइज़, ये भी अच्छे दिख रहे. तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रही अच्छे दिखते हैं नहीं दिखते हैं, आई एम सेइंग कि जब लोग इनसिक्योर होते हैं जिन चीज़ों को लेकर, वो उनको हाइड करने के, चेंज करने की कोशिश करते हैं. वेर अब आपकी जो खुद की जो क्वालिटी है, जैसे आप अगर आप इमोशनल हैं या किसी पर भरोसा आसानी से करते हैं, तो ये आपकी वीकनेस नहीं लगनी चाहिए. आप ट्रस्ट करते हैं लोगों पे, ये आपकी स्ट्रेंथ, बड़ी क्वालिटी लगनी चाहिए. तो इस तरह से आप लोगों के अंदर चेंजेस आने वाले हैं, और ये सिर्फ लव लाइफ को ही नहीं, लव लाइफ को लेकर ही नहीं, ओवरऑल चेंजेस आएंगे ये. ओके, जो गॉड गिफ्ट है आपके पास, अब आप उसे यूज करोगे. हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड. कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे व्यूअर्स, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ, क्योंकि आपके साथ चीट हुआ, या आपको हर्ट हुआ, या डिसअपॉइंट हुए आप प्यार में, इस वजह से आपने अपने दिल को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख लिया है. जैसे हार्ट गार्जियन का कार्ड है, मतलब हार्ट को अपने गार्ड किया है, जैसे डिफेंसिव हो गए हैं दिल को लेकर बहुत, या प्रोटेक्टिव हो गए हैं, तो किसी को अलाउ नहीं करते आपके पर्सनल प्राइवेट दिल के जोन में आने के लिए. अपने दिल में किसी और को आसानी से एंट्री नहीं देते हैं आप. ओके, बट यहाँ पर आपको गाइड किया जा रहा है हार्ट गार्जियन के द्वारा, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव. यानी कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं, तो उसमें भी खुद को मत रोकिए इतना ज़्यादा, इतना डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ, डोंट बी सो रूड ऑन योर सेल्फ. ओके, इतना भी स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है खुद के साथ. अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो करिए, और अगर कोई आपको प्यार करना चाहता है तो इतने ज़्यादा डिफेंसिव भी मत होइए, इतना ज़्यादा डरिए भी मत कि कोई आपको प्यार भी ना कर पाए, इतना ज़्यादा आप रिस्ट्रिक्शन बाउंड्रीज सेट कर दें कि कोई आपको भी प्यार ना कर पाए. तो इतना ज़्यादा बाउंडेशंस, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस और इतनी दीवारें खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है. बी अ लिटिल बिट ओपन एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड एंड लव योर सेल्फ ऑल्सो. खुद को भी प्यार करो, लोग अगर कर रहे हैं आपसे तो इतना डरिए भी मत. ओके, ओवर एक्सप्रेसिव होकर, ओपन होकर सबको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देनी है, बट हाँ, इतना भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने हैं लाइफ में कि आपको जो प्यार आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप तक पहुँच रहा है, वो भी आप रिसीव ना कर पाओ. इतना भी लॉक मत लगाओ अपने दिल पर. ओके, सो या आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हमने जानी, और आपकी लाइफ में ये क्या चेंज आ रहा है ओवरऑल ये हमने जाना, और क्या गाइडेंस है यहाँ पर आपके लिए ये भी हमने जाना. आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है. अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, हेल्प किया है, तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करके बताएं कितने परसेंट ये रीडिंग आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।